और यहां पर लिखकर आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने चैनल को किस तरीके से मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या वीडियो। दोस्तों, हमारा मकसद सिखाना नहीं, समझाना है आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें। आइए यहां पर आपको बता दूं कि हमारे पास इनका चैनल आया हुआ था, इनको हम पर है विश्वास, इसलिए अपना आईडी पासवर्ड इन्होंने दिया और आज हम इनके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फॉलो करके मोनेटाइज भी करेंगे और आपको बताएंगे भी क्या कैसे करना होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब मैं दोस्तों इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वीडियो के लोगो पर, उसके बाद लोगो पर क्लिक करने के बाद YouTube स्टूडियो पर क्लिक करता हूँ। YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर देखो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो कि आई हुई है वार्निंग, और इस वार्निंग के रहते हुए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है चैनल पर, क्योंकि मैंने YouTube टीम से किया था बात, जो कि आपको साइड में अभी दिख जाएगा और शायद दिख भी रहा होगा, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था। अब उसके बाद दोस्तों, मैं अब यहां पर मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर करूंगा क्लिक, और करने के बाद क्लिक यहां पर लिखकर आता है कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, जो कि इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 1577 सब्सक्राइबर प्लस 4108 घंटे। अब आ गया है इनके पास ऑप्शन अप्लाई नाउ, इस पर हम करेंगे क्लिक। यहां पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है स्टार्ट, यहां पर लिखकर आता है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, तो यहां पर करेंगे स्टार्ट और इस पर करेंगे एक्सेप्ट एंड इस पर करेंगे एक्सेप्ट टर्म और कर देंगे स्टार्ट पर क्लिक। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट करने के बाद अभी ये अपने आप ही यहाँ पर हमें अपना प्रोसेस दिखा देगा कि आगे आपको करना क्या है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा कर रहे हैं इंतज़ार। और स्टार्ट करने के बाद इंतज़ार हुआ ख़त्म, यहाँ लिख कर आ गया है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। यहां पर लिखने के बाद अब मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों बता दूं आपको, सेकंड स्टेप आपका होता है एडसेंस का, जो कि बनाना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब आपको डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे नहीं भेजता है, यूट्यूब पैसे भेजता है एडसेंस को, एडसेंस आपके अकाउंट में पैसे भेजता है, तो इसलिए हमें एडसेंस अकाउंट बनाना जरूरी होता है मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले। तो एडसेंस बनाने के लिए हमें करना होगा काम यहां पर स्टार्ट पर क्लिक। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको करना होगा आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, क्योंकि हमारे पास कोई भी एडसेंस अकाउंट अभी तक नहीं है, और इसको करने के बाद कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक। कंटिन्यू पर जैसे ही करते हैं क्लिक, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा इस तरीके से, यहां पर लिखकर आएगा कि किस जीमेल आईडी से आपको एडसेंस बनाना है। तो अगर आपके चैनल पर एडसेंस अकाउंट पहले कभी नहीं बनाया है तो आप उसी जीमेल आईडी का यूज करना जिस जीमेल आईडी से आपका चैनल है। यहां पर अब हम यहां पर इनके यूपी ब्लॉगर शिवा की जीमेल आईडी यूज करेंगे, और उसके बाद यहां पर लिखकर आ गया है कि अब हम आपके अकाउंट को बनाएंगे एडसेंस अकाउंट। तो एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए हमें यहां पर दोस्तों एक काम करना होगा, फॉलो करने पड़ेंगे एडसेंस के रूल एंड रेगुलेशन को, और वहां पर जो डिटेल वो मांगेगा वो हमें फिल करना होगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर कह रहा है एडसेंस कि अगर हम कुछ परफॉर्मेंस भेजें, कुछ अपना नॉलेज दें, तो क्या आपको चाहिए कि नहीं, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे कंट्री, जो कि आपको पता ही है आई लव माय कंट्री, आई लव माय इंडिया करके हम कर लिए हैं इंडिया को सिलेक्ट, और आप अपनी कंट्री को कर लेना सिलेक्ट। जाहिर सी बात है कि आपको अपने कंट्री को ही सिलेक्ट करना है, और आप अपनी कंट्री से प्यार भी करते होंगे जिस कंट्री में भी आप हैं। अगर इंडिया से हैं तो
कमेंट सेक्शन में लिख देना आई लव माय इंडिया, और मजा आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखी है। और इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट पर करेंगे क्लिक, और जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर करेंगे क्लिक, इस तरीके से हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होगा एडसेंस अकाउंट का। और एडसेंस अकाउंट का जब इंटरफेस होता है ओपन, उसके बाद यहां पर आता है कस्टमर इंफॉर्मेशन, जो कि हमें अभी यहां पर डालनी होगी। और लिखकर आ गया है सारी चीजें यहां पर ऑटोमेटिक, यहां पर सब कुछ अपने आप ले रहा है। और इंडिविजुअल लिखकर आ गया है साइबा सेफी, पेमेंट डिटेल, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल, और ये सब कुछ यहां पर डल चुका है। अब हम डालेंगे यहां पर एड्रेस, और एक ऑप्शन लिखकर आ गया है एडसेंस फॉर यूट्यूब, जो कि यहां पर लिखकर आ गया है। अगर आपकी वेबसाइट होगी तो यहां पर लिखकर आएगा एडसेंस फॉर योर गूगल वेबसाइट। तो अब हम इनके एड्रेस को डाल देते हैं जल्दी से। और यहां पर लिखकर आ गया है कि अभी हम आपके इस YouTube को रीडायरेक्ट करेंगे ओपन। और मैंने कुछ क्लिक नहीं किया, हाथ दोनों मेरा यहां पर है, आप देख सकते हो यहां पर रीडायरेक्ट होकर अपने आप अभी यहां स्टार्ट सेकंड स्टेप पर लिखा है, ये लिखकर आ जाएगा प्रोसेस में। और जब ये प्रोसेस में लिखकर आ जाएगा तो ये मान लेना कि अब आपका गूगल का एडसेंस अकाउंट हो चुका है रेडी। और प्रोसेस के बाद लगते हैं टाइम आपके 1-2-4 घंटे, और उस घंटे को करना होगा इन्हें कंप्लीट। उसके बाद फिर जब इनका ये यहां पर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक थर्ड स्टेप अपने आप चला जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। अब यहां पर वीडियो को मैं रोकूंगा, क्योंकि अभी मुझे आगे का प्रोसेस बनाने के लिए पूरा मुझे इंतजार करना होगा 1-2 दिन का, क्योंकि जब तक एडसेंस नहीं बनेगा तब तक हम आगे का प्रोसेस नहीं बता पाएंगे। ये हम वीडियो को करते हैं पॉज। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम अब चैनल को देखेंगे आगे, तो अभी हम आ चुके हैं 1 दिन बाद अपने चैनल को देखने के लिए, जिस चैनल पर मैं कर रहा था काम। और यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेट्स सी। यहां पर मैं ओपन करता हूं YouTube, और YouTube ओपन करने के बाद यहां पर जब मैं क्लिक करता हूं चैनल वाले ऑप्शन पर, यहां पर मैं चेंज कर लूंगा स्विच टू अकाउंट, और यूपी ब्लॉगर सिबा के अकाउंट को करूंगा स्विच। और उसके बाद दोस्तों यहां पर अब हम क्लिक करेंगे आइकन पर, आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद YouTube स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। YouTube स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा ओपन, और यहां पर लिखकर आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका चैनल मोनेटाइज होता है, वार्निंग आपके चैनल पर थी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं, आपकी मेहनत को सफल बना रहे हैं, और अब आप यूट्यूब पर पैसे कमा पाएंगे। देखा दोस्तों, आपको सारा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें करके बता दिया है। और यहां पर अब मैं मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर करता हूं क्लिक, और देख सकते हो कि यहां पर सुपर भी आ चुका है और इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। और सुपर चैट बनाने के लिए गाइस यहां पर स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, गेट स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि सुपर चैट कैसे करते हैं इनेबल, तो उस पर भी मैं सेपरेट में वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को मोनेटाइजेशन में ऐसे ही भेजोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा एक बार में। अगर आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट है फिर भी आप
सही तरीके से अगर आप YouTube को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो चैनल मोनेटाइज आपका एक दिन के अंदर हो जाएगा। यहां पर आपने देखा कि YouTube पर पैसा कमाने का अब इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इनके जीमेल को मैंने ओपन किया था और जीमेल को ओपन करने के बाद यहां पर मैंने देखा था दोस्तों कि इस जीमेल को जब मैंने ओपन किया और यहां पर देख लिया ये सारी चीजें, फिर मुझे लग गया था कि चैनल अब मोनेटाइज हो गया है। और जब चैनल मोनेटाइज होता है ना, बहुत ज्यादा खुश होते, मतलब मुबारक, मतलब क्या बोलूं कि इतना ज्यादा खुशी होती है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको यूपी ब्लॉगर शिवाजी। और अब आप टेक्निकल प्रभाकर के साथ साथ आपका भी चैनल हो गया है मोनेटाइज, और ये चैनल नंबर है 12वां जो कि हमने करवा दिया है मोनेटाइज। और ऐसे ही हम चैनल मोनेटाइज करवाते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो देखते रहना है, लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।